सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्री फायर के अंदर जो न्यू होली इवेंट आया है और उस होली इवेंट पर जो फाइट फॉर कलर इवेंट है वो वाला इवेंट आपको कैसे कंप्लीट करना है, और गाइस जो एरर आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ गाइस बात करेंगे जो कस्टम कार्ड आपको नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलेगा। इसी के साथ गाइस बंडल जो आप लोगों ने अगर मिशन कंप्लीट कर लेगा तो बंडल क्यों नहीं मिल रहा, कब मिलेगा, सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाला है। और कुल मिला के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ओपी होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैं फ्री फायर से रिलेटेड हर एक वीडियो यहाँ पे लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा इवेंट आपको होली इवेंट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो, सबसे पहले आप लोगों को एक प्रैंक का स्किन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको 29 मार्च को सिर्फ और सिर्फ लॉगिन पे आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आप देख सकते हो ये लुक कुछ इस तरीके का होने वाला है अब, और आप इसको हाथ में भी पकड़ सकते हो, मतलब ये लेजेंडरी स्किन होने वाले। और गाइस ये सबसे ज़्यादा अच्छा बात है कि फ्री में मिल रहा है, तो गाइस आप ज़रूर ले लेना। उसके बाद गाइस आप लोगों को ये मैजिक कुक का फ्रेगमेंट्स देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन गाइस ये सब छोटी मोटी चीज़ें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो इवेंट और उसका जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे इस इवेंट के पेज पे मैं आ चुका हूँ। और गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस इवेंट का जो फिलहाल प्रॉब्लम है, एक तो इसका सर्वर का प्रॉब्लम है, उसके बाद गाइस यहाँ पे जो लिखा है वो भी यहाँ पे सही से ढंग से नहीं काम कर रहा है। जैसे गाइस आप देख सकते हो जैसे मैं इवेंट के पेज पे आया तो यहाँ पे इवेंट के पेज पे कुछ भी नहीं है। आपके साथ भी शायद ऐसा हो रहा होगा कई बार। तो गाइस सबसे पहले अगर ये इवेंट का कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, साइड पर आपको एक गोल जैसा निशान दिख रहा होगा तो आपको सिंपली उसके ऊपर टैप करना है, टैप करके आपको पेज को रिफ्रेश कर लेना है। जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश कर लेंगे तो आपके सामने ये इवेंट आ जाएगा। अब गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक मिशन को कंप्लीट कर लिया है, दूसरा यहाँ पे एकदम ऑलमोस्ट होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देख सकते हो गाइस यहाँ पे बंडल का यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन बंडल क्लेम करने का जगह यहाँ पे मुझे नहीं दिया जा रहा है। तो गाइस कई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि भाई मैंने तो मिशन कंप्लीट कर लिया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो गाइस प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो चुका है कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो नीचे कोने पे ऊपर एकदम लिखा है कि 28 मार्च 2021 है, यानी कि गाइस आपको 28 तारीख को यहाँ पे मार्च महीने में मिल जाएगा। जैसे आप उस दिन लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे ये सारा चीज़ें क्लेम करने का जगह दिख जाएगा। अब गाइस बात करते हैं जो फाइट फॉर कलर इवेंट है, तो गाइस आपको क्या करना है, फाइट फॉर कलर इवेंट को कंप्लीट करने के लिए सारा जो मिशन है सबको कंप्लीट करना है। देख सकते हो गाइस यहाँ पे वहाँ पे बोला जा रहा है कि डिमन को मारना है। तो गाइस आप देख सकते हो सबके आगे यहाँ पे एक चिन्ह दिया हुआ है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक एक करके सारे मिशन को कंप्लीट करना है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। और गाइस इसको कैसे कंप्लीट करना है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्स में वीडियो बना रखा है, तो आपने अगर नहीं देखा तो गाइस ज़रूर उस वीडियो को भी देख लेना। सो गाइस अभी बात करते हैं कि आप लोगों को कस्टम कार्ड कैसे और कब मिलेगा। तो गाइस कस्टम कार्ड का जो लाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन गाइस कस्टम कार्ड भी क्लेम करने का जगह नहीं दिया जा रहा। तो गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी इवेंट अगर आता है और गाइस इवेंट की अगर प्रॉब्लम गैरिना की तरफ से होता है तो वहाँ पर आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइस जब ये प्रॉब्लम आप सभी को हो रहा है तो गैरिना को भी पता है कि उनके फ्री फायर में ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो गाइस हो सकता है इस इवेंट का डेट भी यहाँ पे बढ़ सकता है, अगर ये लोग इशू सॉल्व नहीं किया तो गाइस इस इवेंट का डेट बढ़ जाएगा, उसके लिए कोई भी टेंशन नहीं है। सो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से, बता देते कि आप लोगों को इवेंट कैसे कंप्लीट करना है अगर खुल गया तो। सो गाइस जब इवेंट खुलेगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, और अगर आप अभी गेम प्ले करोगे तो गाइस जैसे गेम प्ले एंड हो जाएगा तो आपको एक टोकन मिलने वाला है। तो सिंपली आपको ऊपर रिवील कलर्स के ऊपर टैप करना है, टैप करने के बाद आपके पास कितना टोकन है आपको सिंपली उसको चूज करके टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करोगे तो गाइस आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक चक्री टाइप का घूमते हुए दिख जाएगा, तो जिस भी कलर के ऊपर आके ये एडो रुकेगा आपको सिंपली वो वाला कलर मिल जाएगा। ऐसे करते करते घूमते घूमते आपको टोटल 10 कलर को कंप्लीट करना है। जैसे आपके पास 10 कलर हो जाता है तो आपको क्या होगा, तब आपको ये वाला इमोट मिल जाएगा। लेकिन गाइस बात करते हैं यहाँ पे कब होगा, तो गाइस इसका कुछ कह नहीं सकते। एक तो बहुत सारे बंदे ने यहाँ पे सारे मिशन को कंप्लीट नहीं किया, ऊपर से सर्वर का भी प्रॉब्लम चल रहा है कि कई लोग क्या है सारे मिशन को कंप्लीट कर लिए फिर भी उन लोगों को यहाँ पे ये वाला पेज नहीं खुल रहा है। तो गाइस यहाँ पे सर्वर का थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो गाइस यही था आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करके दोस्तों को बता देना। गाइस ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस ये नया चैनल है तो गाइस आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस आप लोग को ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।